11th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3 कंटिन्यूटी में है। इसमें मैंने आपको वो जरा सिंपल से क्वेश्चन जो थे आपको करवा दिए थे, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ जहां पे हमें 10 और कोट की पावर 1 तो दी हुई है, हमें 100 की पावर पूछ रही थी। देखो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डन करेंगे, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें 100 की पावर, इवन की अगर यहाँ पे 1000 होता वो भी हमसे पूछे गए क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो हमें कैसे निकालनी है ये चीज सीखेंगे आज हम, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें जो चीज दी हुई है हमें सिर्फ उसी का यूज करना है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं उठा सकते। तो मैंने क्या करा, मैंने टैन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 जो है वो उठा लिया जो मुझे दिया हुआ था, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कोट थीटा को 1/10 थीटा पुट कर देना है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने कोट थीटा को 1/10 थीटा पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोट थीटा टैन थीटा का रिवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे मैंने क्या करना है, मैंने उसका एलसीएम ले लेना है। टैन का बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2। एलसीएम आपको बहुत अच्छे से लेने आता है, आप 7th-8th क्लास से यही काम करते हो, ठीक है। अब देखो बेटा ये बन गया, मैंने इधर वाले फंक्शन का एलसीएम लिया और मेरे पास ये आ गया, ठीक है। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको जरा अच्छे से और सॉल्व कर रही हूँ, मैं इस टैन थीटा को इस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 2 टैन थीटा उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा। समझ में आया बेटा, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ सिंपल सा स्टेप है, इस टैन थीटा को यहां से उठाया, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में डाल दिया, ओके। अब देखो बेटा ये जो पड़े हैं उधर 2 टैन थीटा पड़े हैं वो मैं इधर माइनस के करके ले आऊंगी, ओके, ठीक है। डाल दिया, सॉरी यहाँ पे एंगल थीटा है तो इसको इक्वल टू 0 डाल दिया। अब ये आपकी कुछ आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये आइडेंटिटी बन गई आपकी। ए कौन है, टेन स्क्वायर थीटा, बी कौन है, 1 का स्क्वायर, और 2 ए यानी कि 1 मल्टीप्लाई बी यानी कि टेन थीटा। ये देखो आपके पास आइडेंटिटी आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होती है ये आइडेंटिटी, है ना, आपको ये चीज पता है। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी को इसके ऊपर अप्लाई करूं तो ए कौन है, ए है टेन थीटा, और बी कौन है, बी है मेरा 1, यानी कि टेन थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहां से मैंने क्या करा, टेन थीटा माइनस 1 को 2 बार खोल दिया, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो मैं स्क्वायर को टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 डाल सकती हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर है, मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 डाल सकती हूँ, वैसे ही किसी के स्क्वायर को मैं टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 डाल दूंगा, ओके। इसके बाद मैंने क्या करा, टेन थीटा माइनस 1 को 0 के इक्वल कंपेयर कर दिया। यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू ये माइनस के 1 उधर जाके प्लस के 1 बन जाएंगे, मैंने इसकी वैल्यू 1 निकाल दी, ठीक है। समझ में आएगा, बड़ा सिंपल सा स्टेप है, आपको जो चीज दी हुई आपने उसका यूज कर लें। आपने फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, वहां से आइडेंटिटी बना दी, आइडेंटिटी के स्क्वायर को 1-1 टाइम खोला, उसके बाद इसको 0 के इक्वल रखा, टैन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अब देखो टैन थीटा की वैल्यू 1 है तो टैन की पावर 100 की वैल्यू भी तो 1 ही होगी, खुद सोचो, टैन की पावर चाहे 1 लेकर डाल दो उसकी वैल्यू भी तो 1 ही होगी। तो अब देखो अगर टैन की वैल्यू 1 आ गई तो कोट की वैल्यू भी 1 ही बनी आएगी, आपको पता है क्योंकि टैन कोट का ही तो रिवर्स है, या कोट टैन का ही तो रिवर्स है, तो उसकी वैल्यू भी 1 आ गई। इतना समझ में आया बेटा आपको, ठीक है। अब देखो, अब उसने बोला मुझे क्या कि टैन की पावर 100 और कोट की पावर 100 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो टैन की पावर 100 की वैल्यू 1 है, कोट की पावर 100 की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया बेटा आपको, ठीक है। तो देखो इससे आप बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उसको आइडेंटिटी बनाओ, सीधी वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब देखो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मुझे क्या बोला गया है, मुझे प्रूफ करने को बोला गया है कि साइन 0 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री, यानी कि बात सीधी सी है, मुझे बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज दे दी गई है, ठीक है। मुझे बहुत सारी वैल्यूज दे के पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्या इसका आंसर 9/8 आएगा,
मुझसे ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि हाउ टू लर्न द टेबल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब देखो बेटा, मैंने वैल्यूज वैसे डाल भी दी हैं जो वैल्यूज यहाँ पे यूज होंगी। साइन जीरो डिग्री की वैल्यू वन है। अब मैं यहाँ पे साथ साथ में पुट कर दूंगी और साथ साथ में यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो मुझे साइन जीरो डिग्री की वैल्यू पुट करनी है जो कितनी है वन, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी ब्रैकेट में, ओके। फिर यहाँ पे प्लस है कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है रूट 3/2, तो मैंने ये डाल दी, ओके ओके। अब देखो बेटा आगे जो है, सॉरी बेटा, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो, ओके। आगे बेटा जो है मैंने ये वैल्यू डाल दी, साइन 30 डिग्री पुट करना है मुझे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, ये डाल दी। फिर प्लस टेन 45 डिग्री की, टेन 45 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी है 1, ठीक है, ये डाल दी, ओके। मैंने ऊपर जो है वैल्यू डाल दी। अब नीचे की बारी है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे चाहिए। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो मैंने ये डाल दी 1/√3। फिर प्लस, फिर मुझे कोट 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, मैंने ये डाल दी। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू किया, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, वो कितनी है मेरे पास 2, वो डाल दी। उसके बाद आपका है माइनस, सीकेंट 90 डिग्री की वैल्यू वो कितनी है 1, मैंने वो डाल दी, ठीक है। अब बारी है इसको सॉल्व करने की, इस सारे को। अब तो कुछ भी नहीं रह गया, तो 0+√3/2 कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं एलसीएम लूंगी, इसका जब मैं एलसीएम लूंगी ये बन जाएगा 1+2/2, ओके। अब देखो बेटा इसका मैं एलसीएम लूंगी, ये क्या बन जाएगा 1+1, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं फंक्शंस को। और 2-1 आपका क्या हो जाना है 1, ओके, समझ में आया बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, √3/2 को तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसको मैंने वैसे ही पड़ा रहने दिया। ये जो है आपका बन जाएगा 2+1 कितना 3/2, समझ में आया बेटा आपको। उसके बाद ये जो है ये कितना आ जाएगा 1+1 2/√3, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप क्या करो, चीजों को जरा अच्छे से ध्यान से कवर करो। ये क्या बन जाएगा 3√3, ठीक है, 3√3/4, ये इसको सॉल्व करके बनाए, ठीक है। फिर ये सब फ्रैक्शन को मैंने ऊपर लेके आना है, मैं कैसे लेके आ सकती हूँ, 3/2 रिवर्स करके। अगर फ्रैक्शन 2/√3 है तो रिवर्स हो जाएगा फ्रैक्शन का, √3/2 उतर जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपका आ जाएगा 3, वैसे ही रह गया, हाफ इंटू हाफ ऑवर क्या हो जाएगी आपकी, फुल हो जाएगी। नीचे 4/2 का कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ गया आपका 9/8, और उसने मुझे यही तो बोला था कि सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो मेरा आंसर देखो 9/8 आ रहा है,